की तरफ देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंग्रेजों के जमाने में राजगढ़ एक बहुत बड़ी जागीर हुआ करती थी। आज भी वहां पुराने जागीरदारों की हवेली उजाड़ पड़ी है। हमने उस हवेली को खरीद लिया। हम चाहते हैं कि उस हवेली में कुछ तब्दीलियां करके वहां एक आलीशान होटल बनाया जाए। किस तरह की चेंजेस चाहते हैं आप? मिस्टर सुनील, आप हमारी कंपनी के आर्किटेक्ट, क्या चेंजेस करना जरूरी है ये तो आप ही तय करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मुझे वो हवेली देखनी पड़ेगी। सर्वे करने के बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि क्या चेंजेस की जरूरत है और उन पर कितना खर्च आएगा। गुड, हम चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसलिए हमने आपके आश्रम की सीट बुक करा दी है। राजगढ़ में असिस्टेंट इंजीनियर प्रकाश आपको रिसीव कर लेगा। कब लौटेगा बेटा? माँ, हफ्ता भर लग सकता है। लेकिन परसों लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं। उनको मेरी फोटो दिखा देना। फोटो? अरे कैसा सरफिरा लड़का है ये, जाना कैंसिल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ जल्द ही इस घर में बहू आ जाए, बाल बच्चों का शोर गूंजे। इस मुल्क में बाल बच्चे तो सभी पैदा करते हैं माँ, मैं नाम पैदा करना चाहता हूँ काम करके। ओके? अरे सुनते हो, अब आप ही इसे समझाइए, हम लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। बेटे जी, तुम अपना जाना कुछ रोज टाल नहीं सकते? नहीं पिताजी, कंपनी का बहुत जरूरी काम है। लेकिन जा कर रहे हो? राजगढ़। राजगढ़? जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लड़की वाले भी राजगढ़ के पास ही रहते हैं। तुम जाकर उन लोगों से मिल लेना, वो तुम्हें देख लेंगे और तुम लड़की को देख लेना। पिताजी, अगर मुझे काम से फुर्सत मिली तो मैं जरूर मिलूंगा। बेटे, फुर्सत तो निकालनी ही पड़ेगी, ये मेरा ऑर्डर है और मैं आज ही मदन लाल जी को टेलीग्राम भेज देता हूँ। अच्छी बात है, अब मेरी गाड़ी का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय डैड, ऑल द बेस्ट। बाय मॉम। जीते रहो। और कितनी दूर है ये राजगढ़ हवेली? बस कुछ 15 किलोमीटर है, दिन ढलने तक पहुंच जाएंगे। लगता है जबरदस्त तूफान आने वाला है। तूफान और इस सीजन में नामुमकिन है,
भाई मैं इस इलाके में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। राजा प्रकाश, बड़ी वीरान हवेली है ये, रोशनी तक नहीं है। रजवाड़े उजड़ गए, कोई देखभाल करने वाले नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रहता है। किसने खोला? मैंने। दरवाजा खोलने की कल अंदर है। ओ, बाबा, ये वो आर्किटेक्ट साहब हैं जिनके आने की खबर मैंने आपको भिजवाई थी। अच्छा अच्छा, अंदर आइए आइए। शुक्रिया। इतनी हैरानी से चारों तरफ क्या देख रहे हो? सुनील जी, यहां एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? जी हाँ थी, लेकिन पिछले साल भूचाल आने के बाद गिर पड़ी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहां एक तस्वीर थी? पता नहीं, ऐसा लगा कि यहां एक तस्वीर होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें आर्किटेक्ट के बदले जासूस। इस चरखी को हाथ मत लगाना, फानूस गिर पड़ेगा। फानूस? हाँ। बाबा, यहां का इंतजाम हो सकता है? सर्दी बहुत लग रही है। जी मैं अभी इंतजाम किए देता हूं, आप जरा बैठिए। फोन कुछ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है प्रकाश। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी यहां कभी आ चुका हूं। भाई सुनील, जब तुम आज तक राजगढ़ नहीं आए तो इस हवेली में कैसे आ सकते हो? ना जाने क्यों मुझे यहां की हर चीज जैसे जानी पहचानी सी लग रही है। और आर्किटेक्ट साहब, ये सब सफर की थकावट का नतीजा है। तुम ऐसा करो, तुम यहां थोड़ी देर आराम से बैठो और जरा रिलैक्स करो। कम कम रिलैक्स। कौन? क्या हुआ? तुमने भी कोई चीख नहीं सुनी? नहीं तो? सुनील, आई से रिलैक्स, आराम करो। Thank you.
क्या है ये? अरे ये तो किसी देहाती लड़की के पांव का कड़ा है। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम? उस रोज भी ऐसी तूफानी रात थी। किस रोज? देखो प्रकाश, देखा तुम्हें वहां गई। लेकिन सुनील, दरवाजा तो बंद है। सुनील, जब से तुम यहां आए हो ना, तुम्हें कुछ हो गया है। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूं तुम्हें। कम। क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो तुम? हाँ, ये खून के धब्बे हैं जो मैंने लगाए थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? लेकिन मेरी तस्वीर तो बहुत पुरानी होगी। ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये धब्बे मैंने लगाए थे। ठाकुर बलबीर सिंह, ठाकुर बलबीर सिंह। हाँ, ठाकुर बलबीर सिंह। ये ठाकुर बलबीर सिंह कौन है? ये यहाँ के आखिरी जमींदार राजा थे। ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन सुनील, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठाकुर बलबीर सिंह हैं और वो खून के धब्बे जरूर मैंने अपने हाथों से उस पर लगाए हैं। में फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था। शायद किसी त्योहार का दिन था वो। अजी सुनिए टीसी साहब, यहां कोई सवारी नहीं मिलेगी क्या? आज शिवरात्रि है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइए, ये फॉरेस्ट ऑफिस कितना दूर है? चार कोस। इस तरफ किस तरफ? इस तरफ। शुक्रिया। क्या हुआ कोचवान, गाड़ी क्यों रोक दी? मेम साहब, कोई रास्ता रोक कर खड़ा है, बड़ा ही ढीठ है। ढीठ नहीं, मेरा नाम विनय है, विनय। आप शायद राजगढ़ जा रही हैं, मुझे भी वहीं जाना है, साथ में ले चलिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुंवर जी की बग्घी में सवार होना चाहते हो? तुम्हारी शामत तो नहीं आई? जी नहीं, अकेला ही आया हूँ, सिर्फ एक सीट चाहिए। एक दिलचस्प आदमी हो, बैठ जाओ बग्घी में। शुक्रिया। लेकिन मेम साहब, अगर सरकार को मालूम पड़ा कि मैंने किसी अरे गहरे को बग्घी में बैठने दिया है तो मेरी खाल उधेड़ देंगे वो। उन्हें मैं जवाब दे दूंगी, तुम चलो। ये कुंवर जी कौन है जिन्हें खाल उधेड़ने का शौक है? कुंवर बलबीर सिंह। और आप उनकी क्या लगती हैं जी? कुछ भी नहीं।
फिर आप इस बग्गी में कैसे? मुद्दत से उनकी हवेली में भी हूँ। मुद्दत से आप हवेली में भी हैं? फिर भी आप कुछ भी नहीं लगती? बड़े भोले हो तुम, शायद राजगढ़ पहली बार आ रहे हो। जी हाँ, नई पोस्टिंग है, जंगलात के महकमे में रेंज ऑफिसर हूँ। अच्छा जी हाँ। इन जंगलात में तरह तरह के जानवर हैं, उन्हें भड़काना मत। मैं शेर चीतों से नहीं डरता। शेर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये दो पैर वाले दरिंदे। हाँ, यानी आदमी, मैं उन दरिंदों को भी काबू कर सकता हूँ। ये तुम्हारा हौसला बोल रहा है, लेकिन तजुर्बा कुछ और ही सिखाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा मेम साहब कि तजुर्बा किसको क्या सिखाता है। कोचवान, गाड़ी रोको। ये गाड़ी क्यों आपने रुकवाई? आप उतरी हैं क्या? जी नहीं, आप उतरेंगे। आपका फॉरेस्ट ऑफिस उधर है और मेरा रास्ता इधर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। मेहरबानी। अच्छा, अच्छा तो बिरजू साहब। जी साहब। ये तो बताओ कि आपको खबर नहीं की गई थी हमारे आने की? जी, मेरा घोड़ा पंक्चर हो गया था। हुँ? साइकिल पंक्चर हो गई थी। नहीं साहब, सच्ची बात ये है, मैं भूल गया था साहब, मैं भूल गया था। भूल गया था, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई चाय वाय का इंतजाम हो सकता है बिरजू साहब? अभी लाया साहब। अरे ठाकुर को ठोकर लग गई, माफ करना ठाकुर साहब। किसकी तस्वीर है ये? इस इलाके के जागीरदार साहब, कुंवर बलबीर सिंह जी की। इनकी मर्जी के खिलाफ साहब, यहाँ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, किसने टांगी है तस्वीर? आपसे जो पहले ऑफिसर थे ना, उन्होंने। लेकिन ये तो सरकारी दफ्तर है, उतारो से। उतारिए। भेजो। सिंह जी, इंसाफ कर रहा हूँ। हमारे कुंवर जी की तस्वीर किसके हुक्म से उतार रहा है? मेरे हुक्म से। ये दफ्तर कुंवर जी की जागीर नहीं है। साहब, आते ही कुंवर साहब की तस्वीर हटाने लगे, दूसरे अफसर तो उनको सलाम करने हाजिर हो जाते हैं। मैं यहाँ सलाम करने नहीं, काम करने आया हूँ। काम? नहीं रेंजर साहब, एक छोटी सी बात कहूँ आपसे, हमारे सरकार के ताबेदार बन के रहिए। हाँ, इसी में आपकी भलाई है। बैर मोल लोगे तो पछताओगे। नसीहत देना छोड़िए और ये बताइए क्या कौन है? मैं सरकार का खास आदमी हो। खास आदमी? हाँ। तो खास तौर से ये याद रखो कि आइंदा इस दफ्तर में आना हो तो सिर्फ इजाजत लेकर ही आओ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। उतर। सरकार, वो नया रेंजर बड़ा गुस्ताख निकला। अपने दफ्तर में से उसने आपकी तस्वीर उतार फेंकी। आते ही हवा में उड़ने लगा। कोई बात नहीं, अभी नया है ना, कुछ ही दिनों में अपना काम समझ जाएगा। तब तक जंगल की कटाई रोक दो। भीम सिंह, काम जारी रखो। उस रेंजर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, उसे हम जमीन पर ले आते हैं। चलो। देखा निशाना हमारा? सदा लाजवाब है कुंवर जी, वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी? तो वो नया रेंजर मिला था तुम्हें रस्ते में, कैसा है वो? ये उन पुराने रेंजरों जैसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बस में कर लेते थे। ये कुछ और ही तेवर रखता है। तेवर? कभी तुम भी तो रखती थी, कर लिया ना बस में। मेरी बात और है, मैं तो एक नादान हेतनी थी, फंस गई। लेकिन राजा जी, इस बार आपकी टक्कर में एक मर्द बच्चा है, लगता है कुछ कर दिखाएगा। एक मामूली रेंजर क्या कर दिखाएगा, उसकी औकात ही क्या है? अरे उसके जैसे तो 36 छोकरे खरीद सकते हैं हम। देखा साहब, एक दरख्त और गिरा दिया। ये सब ठाकुर के आदमी हैं? जी हाँ साहब। करो, आइए। बंद करो या कटाई, बंद करो वो कटाई। कुंवर जी के प्रजा पे हुकुम चलाने वाले तुम कौन हो? सरकारी अफसर हूँ, और ये तमाम जंगल भी सरकार के हैं। ये तुम्हारे कुंवर जी की जागीर नहीं है, समझे? रेंजर बाबू,
ये फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्शे देखो, नक्शे। हाँ, पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहाँ के नक्शों में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं हेड ऑफिस से असली नक्शे अपने साथ लेकर आया हूँ। नक्शे पहले सभी लाते हैं, जो बाद में रद्दी में बिकते हैं, रद्दी में। ए, काम जारी रखो। अबे ओ, कुल्हाड़ी उठा। खबरदार, जो किसी ने कुल्हाड़ी उठाई तो इस जंगल में पेड़ काटना जुर्म है, जो पेड़ काटेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यस सर। तुम दफ्तर जाओ। जी, मैं आगे मुआयना करके आता हूँ। जी साहब। सुना नहीं? मैंने नहीं कहा है, साहब ने कहा है। जवानी की रेल चली जाए रे, चका छुक चका छुक चका छुक। अरे बिरजू। जी सरकार। जंगल में झरने के किनारे गाना कौन गाया करता है? सवेरे सवेरे बुलबुल, दोपहर में कोयल और रात में उल्लू साहब। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ उल्लू। मैंने एक लड़की को गाते सुना है, बहुत मीठी आवाज थी। मीठी आवाज लड़की, लड़की खूबसूरत भी होगी। हो सकता है, मैं ठीक तरह उसे देख नहीं पाया। क्यों, उसने लैंप बुझा दिया था क्या? लैंप? कैसा लैंप? ये रोशनी वाला लैंप साहब। कुछ लड़कियां जरा शर्मीली होती हैं, ऐसे वक्त में उन्हें रोशनी नहीं चाहिए होती है। क्या क्या बकवास कर रहा है? घबराइए मत साहब, बिरजू बड़े बड़े राज हजम कर जाता है। पिछले रेंजर साहब इसी क्वार्टर में चंपा ग्वालन को लाया करते थे, मगर ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और न मरते दम तक बताऊंगा। ओहो, तो तुम समझते हो कि पिछली रात यहाँ कोई लड़की आई थी? अरे साहब, मेरी तरह आप भी जवान हैं और जवानी में ऐसे गुल तो खिला ही करते हैं। शट अप। शर्मिया थी, ऐसी बेहुदा बातें करते हुए। साहब, मैं बेहुदा बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ये ओढ़नी कुछ कह रही है। अरे बुद्धू, ये ओढ़नी तो किसी झरने पार वाली लड़की की है। तेज हवा के झोंके से जो उसके गले से उड़ी, सीधा मुझ तक आ पहुंची। मगर इस ओढ़नी के पीछे उड़ते उड़ते आप झरने के उस पार मत चले जाइएगा, वरना खटिया पर आपकी वापसी होगी, क्योंकि राजगढ़ वालों की और झरने के उस पार वालों की जानी दुश्मनी है साहब। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो लोग इस जंगल के पुराने बाशिंदे हैं। कभी झरने के दोनों तरफ के इलाकों पर उनके मुखिया का राज था, मगर कंवर साहब ने अंग्रेजों को मस्का लगा लगा कर झरने के इस तरफ की जमीन अपने कब्जे में कर ली। बस फिर क्या था, वो लोग भाले और कुल्हाड़े लेकर टक्कर पर आ गए। इस तरफ बंदूकें थी, इधर से ठाकुर ने ठाए से बंदूक चलाई, बेचारा उधर का मुखिया ढेर हो गया। तब से अंधेर हो गया। अब उसका बेटा यानी कि नया मुखिया अब राजगढ़ वालों के खून का प्यासा है सरकार। आप भूले से भी झरने के उस पार मत जाइएगा। भूले से तो नहीं, हाँ, जान बूझ के जा रहा हूँ। आ जाइए। अरे अरे सरकार, मत जाइए सरकार, मत जाइए सरकार, गए सरकार। Thank you.
चोरी कर रही थी। पर ये ओढ़नी मेरी है बाबूजी। मांग लेती, चुराने क्यों लगी? मांगते डर लगता था। क्यों, मेरे सर पर सींग तो नहीं? नहीं, ओढ़नी दे दो ना बाबूजी। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, किसको कहा? घोड़े को नहीं, सवार को। आज तक हमारे सामने किसी ने जुबान खोलने की गुस्ताखी नहीं की, तुम्हारी ये जुर्रत। ठहरिए सरकार, ठहरिए। ये अंग्रेज बहादुर का आदमी है, नया रेंजर। ओ, नया रेंजर, बड़ी तारीफें सुन चुका हूं आपकी। मैंने भी बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। उधर कहां से आ रहे हैं आप? कहीं झरने पार तो नहीं गए थे? जी हाँ, गया तो था। मत जाया कीजिए वहां, बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस तरफ। खतरनाक लोग तो इस तरफ भी हैं। हमसे दोस्ती करके हर खतरे से बचे रहेंगे आप। कभी हमारी हवेली पर भी हाजिरी दीजिए। वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। शुक्रिया। आओ माई मैम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बिरजू, तुम्हारे साहब तुम्हें छुट्टी तो दे देंगे ना? मेरे साहब? हाँ? अबे मेरे साहब मेरी जेब में हैं। यहां तो नहीं है? अबे तुझे दिखाई नहीं देंगे, मैं जब चाहूं साहब से छुट्टी ले लूं और जब चाहूं साहब की छुट्टी कर दूं। सच? यकीन नहीं आता, ले देख अभी। साहब, आज सोनपुर का मेला लगा है, अगर आप जरा छुट्टी दे दे तो मैं जरा झूले में चिंगर चुकूंगा। चिंगर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और तुम सैर सपाटे की छुट्टी मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत शर्म आती है साहब, बहुत शर्मीला हूँ मैं। सोनपुर का मेला बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। मुझे नहीं जाना है साहब, मैं तो बहुत बाहर जा चुका हूँ। मगर साहब, देखने का मेला होता है, बड़ी रौनक, बड़ी धूमधाम होती है, बड़ी मिठाइयां बिकने आती हैं, गुड़ के सेव, अरे बर्फ के गोले, मलाइयां, कुल्फियां। बिरजू अपनी बकवास बंद करो। जाबे। क्या कहा? मैं मक्खी से कह रहा था, जाबे बहुत मक्खियां हैं यहाँ पर। मर क्या हूं साहब, वो ओढ़नी झरने पार वाली की लौटा दी आपने? हाँ। भांत भांत की ओढ़नियां, चुनरियां, लहंगे आते हैं, मेले में चूड़ियां खनखनाती हैं, और खास तौर से झरने के पार वाली हर ओढ़नी आकर मेले में लहराती है साहब। अब जाऊं मैं मेले में? अरे बाबा तू जा, जा जा मेरी जान बख्श, तू जा बस जा। नहीं आप कहते तो मैं नहीं जाता हूं। तो फिर मचा, ये रहे, ये रहे। नहीं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, जाता हूं मैं। Hee 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 hee.
साहब क्या है बे? क्या है? बच्चा है, बच्चा है। साहब मेले में बिरजू झमेले में कौन है? कोई बात नहीं। अरे यहाँ से अरे ये हंस क्यों रहे हो? अरे हंस क्यों रहे हो? अब रोना शुरू कर दिया? तो तुमने भांग पी रखी है? क्यों? भांग नहीं है, अरे ठंडाई है। ये यहाँ सब पीते हैं, आप भी पीजिए। मैं नशा नहीं करता। पता है क्या करेंगे? झूले पर बैठ कर। मिल गई, तुझे ही ढूंढ रहा था चंदा रानी। बड़ी सुंदर चूड़ियां देखी हैं, चल तुझे पहनाऊं। जा, तू ही पहन ले, मैं घूम फिर कर आती हूँ। मैं चूड़ियां पहनूं? हंसी करती है, एक दिन मैं तेरा घर वाला बनूंगा। तू? मेरा घर वाला तो कोई राजकुमार होगा। हाँ, सात समंदर पार से आएगा मुझे लेने। जमीन में गाड़ दूंगा अगर समंदर पार से आया तो। इस जन्म में तू सिवा मेरे किसी और की हो ही नहीं सकती। अच्छा, तू जा मेरे लिए वो वाली लाल चूड़ियां ले आ। सच? हाँ, जाना जा।
रुक रुक मधुबन की हिरनिया, रुक 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 मधुबन की हिरनिया, कन्हैया तोरी नगरी में आए, एक झलक बस दर्श दिखा दिखाए, चुनरी में मुखड़ा छुपाए, रुक 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 मधुबन की हिरनिया, रुक 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 मधुबन की हिरनिया। अकेला दोष नहीं, अपना भी दिल है प्रेम दीवाना, तुम्हारा अकेला दोष नहीं, आया कहाँ से जाना कहाँ है, इतना भी अब तो होश नहीं, तोहरी नगरिया की उलझ डगरिया हो, तोहरी नगरिया की उलझ डगरिया, जैसे जो गनिया हो लट उल जाए, रुक रुक मधुबन की हिरनिया, रुक 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 मधुबन की हिरनिया। मटकी की झटकी लग गई है, मशीनरी बराबर चल रही है, धक 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 धक, ठीक हो जाएंगे ना? अरे शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नशा उतर जाएगा। लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रही है? समझा, मलमल की चुनरिया है, मलमल की है हल्की चुनरिया, जो कर लग ना जाए, अरे चल कर चल चल के ननों की गगरी मटकी फूट जाए, ये चल 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 चल
चंदा की तरफ देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। छल 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 के इन आंखों की गगरिया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलो ना। किससे बात कर रही पगली? ये बेचारा तो बेहोश है, मैं इसे उठा लाया हूँ, नदी में डूब रहा था। नदी में? लेकिन इन्हें तो वो क्यों, तू इस परदेसी को जानती है क्या? नहीं नहीं। हाँ भैया। क्या? मेले में आए थे बाबूजी, बातचीत नहीं की मैंने, सिर्फ नाची गई इनके साथ, फिर ये मटकी का भंग पीकर लुढ़क गए। चलो ठीक है, जाकर मेरा वो जड़ी बूटी का डब्बा ले आ। अच्छा भैया। बाबूजी, बाबूजी। कौन है आप? भैया है मेरे और सारी बिरादरी के मुखिया भी, यही तो तुम्हें उठाकर लाए थे नदी से। पर बाबूजी तुम नदी में कैसे पहुंच गए? वो भंग के नशे में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। इतना ज्यादा मत पिया करो बाबू। मैं तो पीता ही नहीं हूँ, वो तो नाच गाने में इतना खो गया था मैं कि धोखे में पी गया। पहले धोखा होता है फिर आदत पड़ जाती है, होश में रहना सीखो बाबू वरना किसी दिन सचमुच डूब जाओगे। ठीक ही कहते हैं आप, सर भी इतना भारी है मेरा, बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। ठहरो बाबूजी, ये जड़ी बूटी पी लो, आराम आ जाएगा। एक ही घूंट में पी लेना, बहुत कड़वा है। रहते कहाँ हो बाबू? झरने पार राजगढ़ में। क्या राजगढ़ में? चले जाओ यहाँ से। जी? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, और भूल कर भी इस तरफ कदम नहीं रखना। बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं भैया, इन्होंने मंगलू की माँ की जान बचाई है। तो भूल गई राजगढ़ वालों को जिन्होंने हमारी जमीनें छीन ली, हमारे बाबा का कत्ल कर डाला। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मुखिया, मैं तो कुछ ही दिन पहले यहाँ सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया हूँ। कुत्ते हैं सब, सरकारी ऑफिसर सब ठाकुर के कुत्ते हैं। चले जाओ यहाँ से। अरे मुखिया जी, आपकी हवेली। आप कौन हो तुम? मैं कोई नहीं हूँ मुखिया जी, आपने साहब की तलाश में यहाँ चलाया, मालूम न था कि आप दर्शन दे देंगे। संभाल अपने साहब को और वापस ले जाओ। ले जाऊँ? आज के बाद तुम दोनों में से कोई दिखाई दिया तो लाश जाएगी। अरे मुखिया जी, चार का नौका प्रोग्राम मत बनाइए, हम अपने दो पैरों पर ही चले जाएंगे साहब। चले चलो, चले चली का समय, चले चलो, चले चलो, चले चलो, चलो। बाबूजी बाबूजी क्या सोचेंगे हमारे बारे में भैया? तुझे उसकी क्यों फिक्र है, चल अंदर चल। नहीं चलती तुम? तुमने मुझे बचा लिया बाबूजी, वरना मैं चुड़ैल बन जाती। चुड़ैल? हाँ, इतनी ऊपर से गिरती तो मरती नहीं क्या? हाँ, हाँ। जवान लड़की बिना सुहागन बने मरे तो उसे चुड़ैल बनना पड़ता है। हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम बाबूजी। हाँ, हमें कौन समझा ये राज की बातें? मैं समझाऊंगी। अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? अरे तुम्हारे भैया ने मुझसे मिलने से मना किया था ना, फिर भी तुम चली आई। बस आ गई। चलो अच्छा किया। बाबूजी वो कोयल की आवाज सुनी? वो सुनहरी कोयल है। कोयल और सुनहरी, ये कैसे हो सकता? सच कहती हूँ बाबूजी, वो उस पेड़ पर रहती है, खुद देख लो। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बाबूजी, जाओ ना खुद देख लो। चलो देखते हैं कहाँ ये तुम्हारी सुनहरी कोयल। कहाँ है तुम्हारी ये सुनहरी कोयल? अरे ये तो काली है। क्या? अरे ओ, अरे अरे, ये क्या किया तुमने? क्या किया? अरे जुर्म का सबूत था इसमें, खोल कर तुमने इसका सत्यानाश कर दिया। तो बिगड़ते काहे को हो बाबूजी, अभी लपेट देती हूँ। लो लपेट थोड़ी। वैसे इसमें तुम क्या दिखना चाह रही थी? ये धौंकनी। धौंकनी? हाँ, लोहार के पास होती है ना, इतनी बड़ी वाली। ऐसी छोटी नन्नी मुन्नी धौंकनी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। पूरी तुम समा जाओगी इस नन्नी मुन्नी धौंकनी में। हाँ मैं? हाँ। और इतनी सी धौंकनी में ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कभी झील में अपनी परछाई देखी तुमने? हाँ। उसी तरह तुम नहीं, तुम्हारी परछाई इसमें समा जाएगी। दिखाता हूँ, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। हाँ स्माइल, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। क्या हुआ? धौंकने की आड़ में आंख क्यों मारी? ओहो, तुम्हें नहीं मारी चंद्रमुखी जी, इस धौंकनी को मारी है। अब सीधी खड़े रहो ना। चंदा भैया बुलाते हैं, भागो। अरे रुको रुको रुको, ये तो बता दीजिए फिर कब मिलोगे? पता नहीं। जी चाहता है हम रोज मिला करें। अच्छा अब मैं जाती हूँ, कल मिलूंगी। किस यही वक्त? किस वक्त? जब ये कोयल कूकेगी ना तब। अच्छा, और कोयल नहीं कूकी तो? कैसे नहीं कूकेगी बाबूजी, इस पेड़ पर उसका बसेरा है। तड़के ही खाने की तलाश में निकल जाती है। हाँ। और दोपहर को लौटकर अपने जोड़े को पुकारने लगती है। सरकार, पेड़ काटते हुए उस रेंजर के बच्चे ने फोटो ले ली है, वो सबूत लेके जरूर पुलिस तक पहुंच जाएगा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं कल रात उसे खत्म कर दूं। पागल हो गए हो क्या? वो हमारा दोस्त है, दोस्त की जान नहीं लेते। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? आपके खिलाफ रिपोर्ट है। बाबूजी मैं आ गई। बाबूजी, बाबूजी, ये लो, मैं भागी भागी चली आई और तुम पहुंचे भी नहीं अब तक। कोयल की आवाज भी सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? शायद आवाज उस पर पहुंची नहीं होगी। अरे कूक ना, आज कुछ खाया नहीं है क्या? और जोर से निगोड़ी, और जोर से। क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? आप सरकार को तो जानते हैं ना? ओ, तो ठाकुर साहब आपकी सरकार हैं? मेरा तो ख्याल था कि आप ब्रिटिश सरकार के आदमी हैं। क्या मतलब? देखिए रेंजर साहब, इंस्पेक्टर चाहे किसी भी सरकार का आदमी हो, कानून की रक्षा करना तो इसका फर्ज है। ठाकुर साहब ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने इनके आदमियों को इन्हीं की जमीन पर पेड़ काटने से रोका। वो जमीन सरकार की है, पेड़ सरकारी जंगलात के हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट तो मैं दर्ज करवाने वाला था। झूठी रिपोर्ट हम दर्ज नहीं करते। झूठी रिपोर्ट तो आप लिख चुके हैं, अब आपको मेरी सच्ची रिपोर्ट भी लिखनी होगी। मत भूलिए कि मैं भी आपकी तरह एक सरकारी अफसर हूँ इंस्पेक्टर। अपनी अफसरी जंगल में जाकर दिखाइए मिस्टर विनय। मत भूलिए ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो सरकारी अफसरों का आपस में झगड़ा हो। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मुझे मेरा अधिकार मिलता रहे, बस। जरूर मिलेगा सरकार। आप शिकार पर जा रहे थे ना? जी। आप जाइए, इनसे मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। कोई भी चुप हो गई।
अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। फिर अकेले बैठकर पेड़ों से बातें करना। हाँ साहब, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। क्या मतलब, कौन तुम? जी फुम्मन, आपके बिरजू का लंगोटिया यार। सराइत रहिए, यहाँ के सब ऑफिसर ठाकुर साहब की जेब में है, जेब में। सिर्फ एसपी साहब के आगे ठाकुर की नहीं चलती, वो कुछ दिनों में यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। क्यों गए सरकार? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई शिकार छिपा हुआ है। ए! कौन छिपा झाड़ी में? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। चोरों की तरह छिपी क्यों थी लड़की? कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? चंद्रमुखी। वाक्य ही चांद सा मुखड़ा है, ये चांद आज तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा? भीम सिंह, अपने इलाके का चांद नहीं है सरकार, झरने पार वाला है, वहां के मुखिया की बहन है ये। भीम सिंह जी, तुम जाओ, अब हम अकेले ही शिकार करेंगे। जी सरकार। वहीं रुको चंद्रमुखी। ए रुक जा, ए रुक जा। बड़ी लस्त होके आ रही है, चंचल जवानी अगर तुझसे संभाली नहीं जाती तो मैं हूं ना तेरी जात बिरादरी वाला, उस शहरी कमीने में क्या रखा है, है? तो मैं मुझे थप्पड़ मारा, अपने होने वाले मर्द को थप्पड़ मारा, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। के साथ ऐश करती है बच्चन, अरे पर निकला yeah।
ठाकुर जी, कहां थे तुम? तुम जानते नहीं मैंने तुम्हारी कितनी राह देखी, कहां थे तुम? रो मत चंदा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कभी देर से नहीं हूं। मुझे बहुत डर लगता है बाबूजी, कोई मुझे तुमसे छीन न ले। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चंदा, मुझे कसम है तुम्हारी। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? इस तरह न देखो मेरी तरफ। क्यों? मेरी सुख को छीन लेते हो। सारी जिंदगी तुम्हें देखता रहूं तो भी जी नहीं मरेगा। जाओ तुम लोग। अरे सरकार, ये मुझे क्यों बंद करवा दिया? उस मुखिया की बहन को जब से देखा है भीम सिंह, ये मुजरे वाली अदाएं फीकी सी लगने लगी हैं। चंद्रमुखी को लाओ हमारे पहलू में, मासूम अदाओं का खजाना है उसके पास। उस खजाने पे नया रेंजर नाग जैसा कुंडली मारे बैठा है सरकार। कुचल डालो उस नाग को, हमें चंद्रमुखी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये कारीगरी है तुम्हारी, और तबाह लोहा, मुझे फौलाद चाहिए फौलाद। तलवार और भाले बनवा रहे हो मुखिया जी? हां धुमा, कभी ना कभी तो राजगढ़ वालों से हिसाब चुकता करना ही है। हाँ, बहुत बढ़ने लगा है हिसाब। पहले हमारी जमीनें छीनी, बड़े मुखिया का कत्ल किया, और अब तो इज्जत लूटने वाली है। क्या बकता है तू? तुम्हारी चंद्रमुखी को राजगढ़ के उस बाबू ने पास लिया है। तूने अगर मेरी भोली भाली बहन पर इल्जाम धरा ना, मैं तेरी जुबान खींचूंगा, गर्दन काट देना। मगर पहले छानबीन तो कर लो। रोज दोपहर को झरने किनारे मिलते हैं दोनों। जल्दी कर चंदा, जल्दी। कहाँ जा रही? झरने किनारे भैया। क्यों? वो कोयल बोलने लगी है ना, बड़ी प्यारी लगती है, मैं जाऊं भैया? चल अंदर चल, चुपचाप घर में बैठ, बहुत ढील दे चुका हूं मैं तुझे। थोड़ी देर में तो लौट आऊंगी भैया। मैंने कहा ना अंदर चल। जा रही है? चल अंदर। मैं बाहर थोड़ी जा रही थी। तू है शायद
रखा है।
यहाँ क्या कर रहे हो रेंजर? किसी का इंतजार है क्या? ये बताइए, आप दुश्मन के इलाके में क्या कर रहे हैं? किसी की तलाश है क्या? शिकार की तलाश में आया था, लेकिन शायद अब नहीं मिलेगा। भारी तूफान उठने वाला है। मैं तो कहता हूं कि तुम भी लौट जाओ। ना तो मुझे तूफान का डर है और ना ही तूफान उठाने वालों का। फिर ना कहना कि खबरदार नहीं किया रेंजर साहब। तुम्हें देखे बिना रह नहीं सका। भैया को तो पता नहीं चला। बाबूजी, तुम तो एकदम भीग गए हो बाबूजी। आओ आपके पास बैठो। फिर कभी ऐसा मत करना चंदा। मैं मजबूर थी बाबूजी। तुम नहीं आई तो ना जाने कैसी कैसी बातें मन में आने लगी। कहीं मेरी चंदा को कुछ हो ना गया हो, बिजलियां कड़कने लगी, बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। मेरी चंदा ठीक तो है ना? उसे कुछ हो तो नहीं गया? फिर मेरे से रुका नहीं गया। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन कैसे मिलता चंदा? और ये क्या तुम रो रही हो? तुमने मेरे लिए इतने दुख उठाए बाबूजी, और मैं मुंह चली यहां चैन से पड़ी थी। भगवान करे हमेशा ऐसा ही हो। जितने तूफान जितनी बिजलियां हो वो मेरे हिस्से में आ जाए और सारे सुख सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर जाए। तुम हमेशा चैन की नींद सोती रहो चंदा। नहीं बाबूजी, तुम्हें छूकर कहती हूँ, अब तुमसे मिले बिना मैं कभी नहीं सोऊंगी। मुझे अपने दुख सुख का साथी बना लो बाबूजी। मैं तो मरकर भी तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सच बाबूजी, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हंसूंगी तो साथ हंसूंगी, रोऊंगी तो साथ रोऊंगी। कमीने बदमाश, आधी रात को हमारी इज्जत पर हाथ डालने आया है। मैं तुझे जान से मार डालूं। मेरी जान ले ले मुखिया, मगर मेरी मोहब्बत पर ऐसा नीच और झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो मेरी ये हट जा चंदा। तू नहीं जानती इन शहरी भेड़ियों को। मैंने कहा था ना, आइंदा यहां आया तो तेरी लाश वापस जाएगी। गरीबों से मोहब्बत का ढोंग रचाता है।
मेरी मोहब्बत पर कीचड़ मत उछालो तुम। भैया दरवाजा खोलो भैया। भैया कमीने, ये कौन कर जाता है? भैया बाबूजी को मत मारो भैया। भैया बाबूजी को मत मारो। तूने हमें समझा? जान से मार डालूंगा तुम्हारे यहाँ। चंदा, पूछ अपने बाबू से, तुझसे ब्याह करेगा? जा पूछ। बाबूजी, मुझसे ब्याह करोगे? हां चंदा, अगर तुम्हारे भैया इजाजत दें तो। चंदा, बाबूजी के घाव पर बूटी कुट कर लगा देना। अच्छा भैया। मैं जरा गांव होकर आता हूं। अच्छा बाबूजी। चंदा! तो उस रेंजर ने जमीनें वापस दिलवाने का वादा किया है मुखिया से? हाँ सरकार, भरी बिरादरी के सामने। ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए तू क्यों चला आया? अपने मुखिया से गद्दारी क्यों कर रहा है? चंद्रमुखी को पाने के लिए मैं दो चार कत्ल भी कर सकता हूँ सरकार। ये चंद्रमुखी पर लट्टू है सरकार। हाँ हाँ हाँ। और इसने बताया कि मुखिया चंद्रमुखी का ब्याह उस रेंजर से कर रहा है। हाँ। ब्याह उस रेंजर से? हाँ हुजूर, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ हुजूर। आप तो बहुत ताकतवर है महिबाग। ठीक है ठीक है, उधर की खबर इधर पहुंचाते रहो। हाँ हाँ। इनाम में तुम्हें चंद्रमुखी मिल जाएगी। और ये इनाम जल्दी दिला देना माई बाप, वरना अगली एकादशी को चंद्रमुखी का ब्याह उस शहरी बाबू से कर दिया जाएगा। अरे एकादशी तक बाबू राजगढ़ में जिंदा रहेगा तब।
जा चंदा, अब घर जा। कब तक मेरे साथ साथ चलती रहेगी? अच्छा भैया, लेकिन तुम जल्दी लौट आना। शहर जा रहा हूँ, दो चार रोज तो लगेंगे, और फिर दहेज के लिए सामान जो इकट्ठा करना है। तुझे कोई खास चीज चाहिए तो बोल। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस तुम जल्दी लौट आना। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अब तू अकेली कहाँ है? बाबू है ना तेरी देखभाल करने को। अकेला तो मैं पड़ जाऊंगा जब मैं तेरा ब्याह करके तुझे विदा कर दूंगा। नहीं भैया, मुझे नहीं ब्याह करना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पकली कहेगी, इतनी बड़ी हो गई, बचपन अभी तक नहीं गया। जा घर जा, मैं चलता हूं। अरे कहां ले जा रही हो? अरे कितनी अजीब जगह है ये, एकदम सन्नाटा। कितनी शांति है यहाँ, है ना? मैं तो कई बार यहाँ आकर घंटों बैठे रहती हूँ। अकेली? उस वक्त मैं अकेली नहीं होती। अकेली नहीं होती तो फिर कौन होता तुम्हारे साथ? ये सब देख रहे हो, ये सब हमारे पुरखों की समाधियां हैं, और वो मेरे माँ और बाबा की। जब मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरे पास है, मुझसे बातें कर रहे हैं। आओ बाबूजी, उनका आशीर्वाद ले ले, आना। जो मर चुके हैं वो आशीर्वाद कैसे देंगे? देंगे बाबूजी, इस दुनिया में कोई नहीं मरता। जिनसे सच्चा प्यार हो वो हमेशा साथ रहते हैं। चलो आओ, आना। बाबूजी आओ मेरे साथ। तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। एक काम करो, तुम ही पहले। नहीं नहीं मैं ठीक हूं। अरे कहीं ठंड लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी, वहां चल जाओ पहन लो।
लगी है तू भी करे क्या मैं भी करूं क्या तू भी करे क्या मैं भी करूं क्या की तरह अंदर कहां घुस रहा है तेरे तबेला नहीं है चुप है साले हजाम तेरी तो मैं क्या हो रहा है सब रेंजर साहब मेरी इजाजत के बगैर तुम अंदर कैसे आए आपकी इजाजत की अब जरूरत नहीं है मुझे रेंजर बाबू ऊपर वालों ने भेजा है मुझे हाँ क्या मतलब देखता हूँ इस बार आप हवेली पर हाजिरी देने कैसे नहीं आते आपके बड़े अफसर साहब आए हैं उन्होंने आपको फौरन बुलाया है टीएफओ साहब है हाँ बड़े अफसर अरे हमारे सरकार के साथ ठहरे हैं चलो सलाम करने उन्हें एक्सीलेंट शैंपेन कुमार साहब एक्सीलेंट शैंपेन ये तो लाजवाब है दिस इज अ वेरी रेयर ब्रांड इंडीड यस आबदार टीएफओ साहब की सवारी जब लौटे ऐसी छह बोतलें इनके साथ भिजवा देना जी सरकार 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 रेंजर बाबू रेंजर साहब बहुत खूब आखिर हमें सलाम करने आना ही पड़ा तुम्हें माफ कीजिएगा आपको नहीं डीएफओ साहब को सलाम किया मैंने ठाकुर साहब मेरे बड़े ऑफिसर ये है विनय ये क्या माजरा है हमने सुना है कि तुमने ठाकुर साहब के खिलाफ रिपोर्ट किया है अपनी ड्यूटी की है सर सरकारी जंगलों से पेड़ कटवाए गए बट व्हाट्स द प्रूफ सबूत क्या है तुम्हारे पास ये अदालत को तय कर लेने दीजिए सर अदालत से पहले हमको तय करना है रिपोर्ट वापस ले लो विथड्रॉ इट ठाकुर साहब यही चाहते हैं सर भीम सिंह के जरिए एक मोटी रकम ऑफर की थी इन्होंने व्हाट डू यू मीन हम तुमको रिश्वत देकर ऐसा करने को क्या चाह मैंने तो ऐसा नहीं कहा सर आप ही बेहतर जानते हो
तुमको वो रिपोर्ट वापस लेना ही होगा, ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है सर, आप अपना ऑर्डर लिख कर दे दीजिए मुझे, ताकि सबूत रहे कि गलत काम मैंने नहीं किया, आपने करवाया। ये दो स्टार की तुमको लिखा हुआ ऑर्डर चाहिए? ठीक है, हम तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर अभी लिख देता है। तुम आज राजगढ़ छोड़ दो और कल पंडेपुर पहुंच रही नया ड्यूटी ज्वाइन कर लो, अंडरस्टैंड? और कुछ सर? यू मे गो। ना 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 ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। भैया भी शहर गए हैं और अब तुम भी जाने लगे? नहीं, सिर्फ दो या तीन दिन की तो बात है मेरी चंद्रमुखी जी। नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। जाने क्यों मुझे डर लग रहा है बाबूजी? तुम चले गए तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। और अगर मेरी बदली हो गई तो भी तुम अकेली हो जाओगी? देखो चंदा, मेरा अफसर राजगढ़ से मुझे कहीं और भेज रहा है। मुझे शहर जाना है, बड़े साहब से बात करनी है और वो ऑर्डर रुकवाना है। बस गया और आया। और अगर वो ना माने तो? ना माने तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी चंदा के पास आ जाऊंगा। अच्छा तो चलो मेरे साथ। कहाँ? कुल देवता के पास, उनका आशीर्वाद लेकर जाना। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी तो तुम्हारे बड़े साहब जरूर मानेंगे तुम्हारी बात। चलो, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। अब कितना और चलाओगी? बस यही है बाबूजी, आओ ना। तो क्या हुआ? ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, जिसकी ज्वाला बुझ जाती है वो मर जाता है। ऐसी मनुष्य बातें नहीं करते चंदा। नहीं, ये सच है बाबूजी, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें मिलने से पहले मैं मौत से नहीं डरती थी, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। इतनी बड़ी सजा मत दो कुल देवता, अभी तो मैं सुहागन भी नहीं बनी। लो, अब तुम सुहागन बन गए। भगवान साक्षी। मुखिया दो दिन के लिए गांव से बाहर गया हुआ है और आज वो बाबू भी चला गया है। भीम सिंह, तब तो मैदान साफ है। हाँ सरकार, चंद्रमुखी को इसके दुल्हन बना दे। क्यों धुमा? जल्दी बना दो सरकार, जल्दी बना दो। चंद्रमुखी को उठाकर हमारे इलाके में लाना होगा। ले आऊंगा सरकार, मगर उसके लिए आपकी मदद चाहिए सरकार। हम सब कुछ करेंगे तुझे दूल्हा बनाने के लिए, बस तू भीम सिंह को चंद्रमुखी तक पहुंचा दे। ए चुनरिया, एक बार फिर उड़ जाना उन तक, खींच लो उन्हें शहर से।
के बिना दिल नहीं लगता हैरी। बाबू तो चला गया, आज तुझे कौन बचाएगा? मेरी बात मान ले, मेरे साथ झरने के पार चल, मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दे। जिद करेगी तो नहीं छोड़ूंगा, पहले सुहागरात मनाऊंगा। बहुत भाग रही थी मेरी दुल्हनिया, बहुत भाग रही थी। अब कैसे भागेगी, अब तो तुझे धूमा की दुल्हन बनना है। चल। धूमा की दुल्हनिया, ये सब मेरा दोस्त शादी करवाने आए हैं मेरे। कहां ले जा रहे हम मेरी दुल्हनिया को? अरे हाँ भाई हाँ, दूल्हा तो यहीं रह गया। हाँ दूल्हे राजा, तुम्हें भी पहुंचा देते हैं ठिकाने तक। इसकी लाश को उठा के नदी में फेंक दो। हम एक बार जिसकी तमन्ना कर ले उसे हासिल करके ही रहते हैं।
चंदा, ओ चंदा, देख कितना सारा दहेज का सामान लाया हूं मैं तेरे लिए। चंदा कहां चली गई? चंदा मुखिया कैसे हो? चंदा तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं क्या बात है? अभी अभी मैं शहर से लौटा तो घर पर नहीं है, चूल्हे पे खाना भी जला पड़ा है। इन दिनों वो तुमसे नहीं मिली? नहीं मुखिया, मैं तो खुद दो दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। तो फिर वो गई कहां? गई कहां? जरूर उस पर कोई आपत्ति टूट पड़ी है। चलो बाबू उससे जुटे। हाँ चलो। चंदा 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 चंदा। मुखिया कुछ मालूम पड़ा? मुखिया बाबू जी, ये तो हाँ बाबू जी खून के दबे चंदा को कोई जंगली जानवर। नहीं नहीं मुखिया, नहीं मुखिया ऐसा नहीं हो सकता। चंदा यही चंदा 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 मुखिया चंदा कहाँ? अब चंदा कहाँ बाबू? अरे ये तुम, मैंने अभी उसकी आवाज सुनी मुखिया, तुमने नहीं सुनी? नहीं बाबू हमने नहीं सुनी। लेकिन ये चंदा मुखिया, ये चंदा गा रही हूं मैं, तुम आओ मेरे साथ। आओ आओ सुना आपने कहा? आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती? नहीं बाबू ये सिर्फ तुम्हारा वहम है बाबू, ये आवाज नहीं। वहम? नहीं अरे साहब साहब, मैं आपको कहां कहां ढूंढ रहा था। कल्लू तांगे वाले ने मुझे बताया कि आप कल ही वापस लौट आए, आप क्वार्टर में क्यों नहीं आए साहब? चंदा की तलाश में भटक रहा हूं। तुमने उसे कहीं देखा? चंदा क्यों अपने घर में नहीं है वो? नहीं उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं, ना जाने कहां गायब हो गई है वो। गायब कहीं? कहीं क्या साहब? मैंने दो दिन हुए देखा था वो भीम सिंह झरने के इस पार एक लड़की को कंबल में लपेटे हुए लाया था और हवेली की तरफ ले गया। हवेली? हाँ साहब। अरे साहब, अरे साहब आप मत जाइए वहां, हवेली में मत जाइए वहां खतरा है। अरे मुखिया जी। हाँ तुम? चंद्रमुखी कहाँ है? कौन चंद्रमुखी? मुखिया की बहन चंद्रमुखी। बोल ठाकुर,
कहाँ है वो? यहाँ कोई चंद्रमुखी नहीं है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। सीधी तरह बता दे चंद्रमुखी कहाँ है ठाकुर, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमी ने चंद्रमुखी कहा है? अरे हट! मार डालो इस रेंजर के बच्चे को और लाश उठाकर नदी में फेंक दो। बाबूजी की जान बचा लीजिए जल्दी। अरे क्या हुआ इन्हें? जख्मी है, इनकी जान है। जल्दी करो, जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। फिक्र की कोई बात नहीं तुम्हारे बाबूजी। अरे भाई कहाँ खो गए तुम? अरे 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 कैसी तबीयत है अब? ये दवा पी लीजिए। तुम कहाँ चली गई थी चंदा? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हुआ जा रहा था। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये दवा पी लीजिए और यहाँ लेट जाइए। ऐसी बातें कर रही हो तुम? और ये लिबास तुम इतनी बदल कैसे गई चंदा? मैं चंदा नहीं हूँ। देखो मजाक मत करो, मेरे पास आओ, अपने बाबूजी के पास आओ। मुझे छोड़ो, मैं चंदा नहीं हूँ। चंदा क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए क्या? पागल हो गए तुम लोग सब? क्या मैं अपनी चंदा को नहीं पहचानूंगा? मैं क्या तो क्या हो रहा है? अरे मेरे बिस्तर पर लेटा दो।
ये मेरी चंदा। आप चुपचाप लेटे रहिए, आपका दिमाग इस वक्त बहुत परेशान है। मेरी बात समझिए, ये रहा, इस इंजेक्शन से आपको बहुत आराम मिलेगा। हेड इंजरी की वजह से कई बार मरीज उल्टी सीधी बातें किया करते हैं, ऐसे मरीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। यस डॉक्टर। चंदा, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूँ, तुम्हें महसूस करता हूँ, फिर तुम्हें सामने क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं चंदा? देखो तो सर, ये तो बेहोश मालूम होता है, इसे उठाकर जीप में ले आओ। जी अच्छा, उठाओ। सुनो जी, इस बेड का पेशेंट कहां गया? पता करता हूं। ठीक, बात है सिस्टर। ये देखिए डॉक्टर, कल हम बेकार ही उस बेचारे को पागल समझ बैठे, किसी को भी गलत फहमी हो सकती है। बिल्कुल तुम्हारी सूरत, तो इससे पहले तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन जरूर उसकी जिंदगी में मेरी ही शक्ल की कोई लड़की होगी, पर वो गया कहां? क्या बताऊं सुपरिटेंडेंट साहब, अपनी चंदा को ढूंढता फिरता हूं, ना जाने ठाकुर ने उसे कहां गायब कर दिया। जब से चंद्रमुखी लापता है
साहब दीवानों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं साहब। फिक्र मत कीजिए, हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिस्टर विनय। परेशान कैसे ना हो सुपरिंटेंडेंट साहब, यहाँ के तमाम अफसरों को ठाकुर बलबीर सिंह ने खरीद रखा है, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। सर सर मैंने सुना आप इंसाफ का साथ देते हैं, अब तो सिर्फ आप ही का आसरा है सर। डोंट वरी, मैं खुद इस मामले में तहकीकात करूंगा। ठीक बिरजू जी, अपने साहब को क्वार्टर में ले जाओ और इनकी देखभाल करो, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। साहब जाओ। साहब थैंक यू वेरी मच एसपी साहब। सिस्टर। यस सर। सुनो देखो, वो कल रात को जो पेशेंट यहां से गायब हो गया था वो राजगढ़ फॉरेस्ट ऑफिस में है, तुम ऐसा करो वहां चली जाओ और उसकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट देती रहो। ओके राइट सर। जय हो बिरजू भैया, कमाल है, थाने से निकले थे सुबह और अब शाम को वापस आ रहे हो। गुरु क्या चक्कर है? थुमन तू घन चक्कर है, मुझे तंग मत कर, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर तो जरूर कोई चक्कर है। चक्कर ये है कि बाबूजी पागल हो गए हैं, मुखिया के घर में चंदा का इंतजार करते हैं, कहते हैं वो उनसे मिलने आती है, उनसे बातें करती है। पर तू ही बता, अरे जो मर गई हो वो लौट कर आ सकती है? आ सकती है क्या? मेरा मतलब है उसका भूत आता होगा। भूत? हाँ। अबे भूत पी के हट, भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं सच कहता हूँ बिरजू भैया, मेरी माँ कहती थी पीपल के पेड़ पर भूत होता है। तू कभी पीपल के पेड़ पर चढ़ा था? हाँ कई बार चढ़ा हूँ। तो तेरी माँ सही कहती थी, तुझको देखा होगा। भूत भूत नहीं होता है। बिरजू भैया मैं सच कहता हूँ भूत होता है। अबे भूत नहीं होता है। होता है। अबे नहीं होता है। होता है बिरजू भैया। अबे नहीं होता है। अरे होता है। सुनिए मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब फुम्मन की शरारत है, मैं तो भूत से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ भूत से। मुझे माफ कर दो चंदा। मैं चंदा नहीं आशा। अरे अरे असली है, भूत नहीं है। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, तुम्हारे साहब वहां अपना पर्स भुलाए थे। वही नाक डॉक्टर, वही चेहरा, वही आगे। अब समझा, बाबूजी ने आपको देखा होगा और वो आपको चंदा समझ बैठे होंगे। हाँ हाँ। अच्छा ये तो बताओ ये चंदा कौन है, क्या हुआ उसे? ये एक लंबी कहानी है, आप बैठिए मैं आपको सुनाता हूँ, आइए। ये है उस बिचारी की दुख भरी कहानी। हम सबको तो विश्वास है कि चंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबूजी नहीं मानते, उसकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस वक्त तुम्हारे बाबूजी कहां होंगे? आगे बाबूजी, हम कहां कहां ढूंढ रहे थे आपको। कौन? तुम मेरी चंदा नहीं हो। मैं आशा हूं,
हॉस्पिटल में आप मुझसे मिल चुके हैं। ना जाने क्यों हर सूरत में मुझे अपनी चंदा नजर आती है, लेकिन नहीं, तुम चंदा नहीं। मेरी चंदा ये है, मेरा दिल, मेरी आत्मा जानती है इसे। ना जाने कहां चली गई ये मुझसे रूठकर। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती विनय बाबू? चंदा थी मेरी जिंदगी, उसके बिना हर सांस एक बोझ है मुझ पर। तुम नहीं जानती किस तरह तड़प तड़प कर जीने की सजा काट रहा हूं मैं। सब सुन चुकी हूं, दुख बांटना चाहती हूं। न जाने क्यों चंदा का दुख अब मुझे अपना सा लगने लगा है। अरे ये क्या, आप रोने लगी मेरी चंदा के लिए? आप आंखों में आ सकते सुना तुमने, वो मुझे बुला रही है। कौन? मेरी चंदा मुझे बुला रही है। विनय बाबू साहब, चंदा मुझे बुला रही है। कहाँ जा चंदा का? मैंने अभी उसे देखा, आपने उसकी आवाज ही सुनी? नहीं तो, ये चंदा कौन है? चंद्रमुखी, मेरी चंद्रमुखी। हम दोनों का ब्याह होने वाला था, लेकिन ठाकुर के आदमी उसे यहीं कहीं ले आया। ठाकुर के आदमी? जी। कब की बात है ये? पिछले हफ्ते की। मैं 2 दिन के लिए शहर गया, वो तब से गायब है, लेकिन मैं जानता हूँ वो यही है, इसी हवेली में। जरा ठहरो। इसे पहचानते हो? बस कहां से आया? ये कड़ा तो मेरी चंदा का है। कहां है वो? वो बोली ना, कहां है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है विनय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था। वो यहां आई थी विनय, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, और ये भी देखा था कि ठाकुर की हवस का शिकार होने से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी। चंदा अब इस दुनिया में नहीं है विनय। मेरी चंदा को? कहां जा रहे हो? मैं उस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी चंदा की मौत का इंतकाम लूंगा। हट जाइए मेरे रास्ते से। पागल मत बनो विनय, खुद अपनी जान गंवा बैठोगे। ठाकुर के पास बहुत ताकत है, उसके पास हथियार भी है और हत्यारे भी। तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? आप साथ देंगे मेरा? आप भी तो ठाकुर के जुल्मों का शिकार है, बोलिए आप मेरे साथ चलेंगे? कहां? पुलिस को बयान देने? बेकार होगा, यहाँ की पुलिस ठाकुर की मुट्ठी में है। मगर एसपी साहब ऐसे नहीं है, आजकल वो यहाँ आए हुए हैं। देखिए, सिर्फ आप ही एक चश्मदीद गवाह इस कत्ल की। अगर आप एसपी साहब को सब कुछ बता देंगी तो मुझे यकीन है कि वो ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज आप अभी मेरे साथ चलिए। अभी? हाँ। इतनी रात गए? देखिए, सुबह अगर एसपी साहब लौट गए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। निशा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। ठीक है।
आइए इतनी रात गए मालिक के दुश्मन के साथ कहा भाग रही हो मालकिन पुलिस थाने हट जाओ रास्ते से हटने नहीं हटाने आया हूं और मालकिन आपसे तो ठाकुर साहब निपट लेंगे लेकिन इससे मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है पुलिस को सबूत चाहिए चंदा मैं सबूत कहां से लाऊं चंदा लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा सबूत मिले या ना मिले मैं आप मेरी मदद करेंगे मैं तो आपकी मदद करने ही आई हूं विनय बाबू चंदा अरे चंदा चंदा हाँ हाँ चंदा वो देख चंदा अरे चंदा तू अरे चंदा चंदा Thank you.
ने अपनी आंखों से देख लिया एसपी साहब कि चंदा के गांव वाले भी धोखा खा गए। उसके करीबी लोगों तक को शक नहीं हुआ कि वो चंदा नहीं आशा देवी हैं। बस अब एक बार, सिर्फ एक बार ठाकुर इन्हें चंद्रमुखी के लिबास में देख ले, मुझे यकीन है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, होश उड़ जाएंगे उसके, और फिर घबराहट में आकर अपने गुनाहों का सबूत वो खुद आपके हवाले कर देगा। एसपी साहब, अब सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज सर, सिर्फ इतनी दरखास्त है आपसे, प्लीज। ऑलराइट मिस्टर विनय, मैं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो। जी सरकार। चंद्रमुखी, वॉचमैन गाड़ियों को। जी वॉचमैन। जी मालिक। वो देखा तुमने? क्या मालिक? वो लड़की। लड़की कहाँ मालिक? वहां तो कोई भी नहीं है। हा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही वो लड़की? नहीं मालिक, लगता है आपको धोखा हुआ है। धोखा? मैं वापिस हवेली की तरफ ले चलो। जी मालिक। बड़ी तूफानी रहा था सरकार, मैंने सब खिड़कियां बंद कर दी। और कोई हुक्म? नहीं, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। जाओ। जी। Thank you.
पहचाना नहीं मुझे ठाकुर? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ आने की जुर्रत कैसे की तुमने? कुछ पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। कैसा हिसाब किताब? डरो मत, आज मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया ठाकुर, चंद्रमुखी ने बुलाया मुझे। चंद्रमुखी? उसने 8 बजे मिलने का वादा किया। क्या पकते हो? मैं सच कह रहा हूं ठाकुर, वो मिली थी मुझे। शायद सपने में या रूह थी उसकी। आप रूह को नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं रूह को ठाकुर। ये भयानक तूफान, ये शोर सुन रहे हो? मुझमें बहुत ताकत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहां से। प्रीतम सिंह, दुर्जन! बेकार है चिल्लाना, आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज तो फैसला हम तीनों को ही करना पड़ेगा। तीन? कौन तीन? तुम, मैं और चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? प्रीतम सिंह, दरबान! अरे कोई है? कहां मर गए सबके सब? कोई नहीं आएगा ठाकुर, जहां रूह आने वाली हो वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्या हुआ? सुना नहीं आपने? क्या? ऐसा लगता जैसे दो पांव पायल पहने इसी तरफ आ रहे हो। ये देखो, तुम्हारी तस्वीर पर अपने आप के खून के धब्बे उभर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी हरकत है। नहीं ठाकुर नहीं, इसमें यकीनन किसी और का हाथ है, किसी तीसरे का हाथ। तीसरे का हाथ? हाँ ठाकुर। लेकिन यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और है कौन? चंद्रमुखी। हाँ ठाकुर, चंद्रमुखी। मैं उसे महसूस कर रहा हूं। सुनी वो आवाज? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अजीब रात है ये ठाकुर, ऐसा लगता है जैसे यहां कोई आत्मा भटक रही है, जिसकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया है और वो यहां आने की कोशिश कर रही है। देख रहे हो वो थरथराते साहे? सुनिए उसकी वो लंबी लंबी सिसकियों की आवाज। खामोश!
क्यों डरने लगे? याद है वो तूफानी रात जब भीम सिंह मुझे उठाकर इसी हवेली में लाया था? उसके बाद क्या हुआ? बोलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों हो? आगे मत बढ़ना। मैं बताता हूं। मैं दरवाजा खोलकर तुम्हारी तरफ बढ़ा था, तुम्हें काबू में कर लेना चाहा, तुम किसी तरह से बचकर भाग निकली। लाश को हवेली के पिछले हिस्से में दबा दिया ताकि कोई इस राज को जान ना सके। हाँ, एक बार पहले तुम्हें मौत के घाट उतारा था, आज उस सबूत को फिर से खत्म कर दूंगा। नहीं था जाओ। कोई है? रोशनी, रोशनी। यू आर अंडर अरेस्ट। आप हिरासत में हैं। ये सब झूठ है, साजिश है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं। अभी अभी आपने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है, बाकी सफाई अदालत में पेश करना। सिपाही, अरेस्ट कर लो इनको। हट जाओ। अरे, ये तो मर गया। इंस्पेक्टर, सिपाही उधर से, तू देखो संभल के आए इस तरह। देखो मैं आपका बहुत एहसान मंद हूं आशा जी, आपकी वजह से मैंने अपनी चंदा के खून का बदला ले लिया, लेकिन आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई जो मैं खुद नहीं जानता था? इस मनहूस जगह पे चंदा की लाश को कहां दबाया गया ये आपको कैसे मालूम हुआ? चंदा का अंत ठाकुर के अलावा और कोई नहीं जानता था, ये आपने कैसे जान लिया? आपके चेहरे पे ये अजीब मुस्कुराहट, आप चुप क्यों हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। विनय बाबू माफ कीजिएगा। विनय बाबू, रास्ते में तूफान के कारण मुझे आने में जरा देर हो गई। अभी अभी पुलिस वाले किसे उठा कर ले गए? मेरे यहां पहुंचने से पहले क्या हो गया? खामोश क्यों है विनय बाबू? वो आई थी। कौन? चंदा। क्या? वो मुझे बुला रही है। विनय बाबू। चंदा। और इस तरह मेरे पिछले जन्म का अंत हुआ।
उस जन्म में मुझे मेरी चंदा नहीं मिल सकी, लेकिन जानते हो प्रकाश, मरते समय मेरी यही इच्छा थी कि अगले जन्म में मुझे मेरी चंदा जरूर मिले। साहब, कोई मदन लाल जी ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए। सुबह होगी। ये मदन लाल कौन है? यार मां ने फंसा दिया है, किसी लड़की को देखना है, जरा रुकना। लो बेटे। नो थैंक यू। सुना है तुम्हारी कंपनी यहां 5-स्टार होटल बनाने वाली है? जी अंकल, कोशिश तो है। यहाँ की जो पुरानी हवेली है उसे हम आओ बेटी आओ। सुनील, ये हमारी बेटी संध्या है। तुम्हें पसंद है ना बेटी? जन्म जन्म से इतनी सारी